ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करें। ऑस्ट्रेलिया में एक सबसे अच्छा ट्रेंड जो अब देखने को मिल रहा है वो ये है कि रिजल्ट्स की जो स्पीड है वो काफी फास्ट हो चुकी है। रिजल्ट्स 48 घंटे, 10 दिन, 5 दिन इस तरह से मिलने शुरू हो चुके हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि कॉलेजेस में भी अच्छे रिजल्ट लगातार बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी वहीं की वहीं स्टक है, जीडी को लेके अभी भी बच्चों को परेशान किया जा रहा है या कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। तो इस समय तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है उसमें डिग्री या मास्टर्स के प्रोग्राम मिलते हैं तो दो बार सोचने की जरूरत नहीं है, लेवल वन लेवल टू में निश्चिंत होकर अपनी एप्लीकेशन को चलाएं। ब्रॉडवे से चलाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट हम यही देते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर जो है श्योरिटी, प्रॉमिस, 100% वीजा मांगते हैं। तो हम जो आपको देते हैं जी, आपने सारे ही पैसे देने वीजा लगने के बाद। अगर वीजा आएगा तो ब्रॉडवे को पे करो, नहीं आएगा तो नहीं करो। ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने की ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो समय है, ये गोल्डन पीरियड गंवाए ना, जहां पर अच्छा सक्सेस रेट कॉलेजेस में मिल रहा है। क्योंकि अक्सर बच्चे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं फिर वहां से चेंज करते हैं, सस्ते के चक्कर में कॉलेज जाते हैं। तो यहां से आज की डेट में आपको डायरेक्ट कॉलेज में वीजा मिल रहा है। तो इस समय का सही इस्तेमाल करें और जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई करें। ब्रॉडवे के ऑफिस आपकी सुविधा के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में है, सो आप टीम से कहीं पर भी मिलकर अपनी एप्लीकेशन को बेफिक्र होकर चला सकते हैं, चाहे गुजरात, चाहे न्यू दिल्ली, चाहे हरियाणा, पंजाब और जम्मू, और या फिर इंडिया से कहीं भी, और अब तो यूएई दुबई से। सो कुछ हेल्थ ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा टायर टू वीज़ा को लेके। टायर टू वर्क परमिट यूके, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको लेके नई चेंजेस एक्सपेक्टेड थी जो कि 6-7 अगस्त के आसपास आनी थी। तो उन चेंजेस में जो मेजर पॉइंट आया है, इसमें यूके वीआई एम्बेसी ने कोई रूल्स को लेके चेंजेस तो नहीं की हैं, बट उन्होंने अपने वीज़ा ऑफिसर्स को बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हैं। उन इंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने वीज़ा ऑफिसर को कहा है कि जो कॉस की एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं उनकी प्रोफाइल असेसमेंट ज़रूर करें। उन कैंडिडेट्स के पास जिस जॉब के लिए वो जा रहे हैं उससे रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनको नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरत है तो ऐसे कैंडिडेट्स की इंटरव्यू भी की जाए। अब ये इंस्ट्रक्शंस आने वाले दिनों में कैसे रिएक्ट करेगी एम्बेसी, हो सकता है जो बच्चे टायर टू वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं अगर वो बिना किसी नॉलेज के या अच्छी प्रेपरेशन के नहीं करेंगे तो उनको ट्रबल्स आ सकती हैं। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरव्यू की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक इंटरव्यूज़ नहीं होती थी या ना के बराबर होती थी, तो इंटरव्यू प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोफाइल असेसमेंट बढ़ेगी, एक्सपीरियंसेस मांगे जा सकते हैं आपसे, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपने एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए मांगा जा सकता है। और अब डेफिनेटली जो एम्प्लॉयर्स भी हैं जो अभी तक काफ़ी कॉस्ट इशू हो रहे थे, शायद उनमें भी कोई ना कोई स्ट्रिक्टनेस आएगी, शायद एम्प्लॉयर भी अब आपको इंटरव्यू करेंगे और बीच में जो भी कुछ गलत हो रहा था वो शायद अब उतना ना हो सके। और डेफिनेटली इसकी अफेक्ट कॉस्ट पे भी आ सकता है, सो कई चीज़ों पे इम्पेक्ट आएगा, बट ये आने वाले दिनों में क्लैरिटीज होंगी। बिकॉज इसमें कोई रूल का चेंज नहीं किया गया, कोई आयल्स को लेके, पीटी को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, इस तरह की कोई चेंजेस फंड्स को लेके नहीं की गई हैं, ये प्रोसेस में चेंज है। तो प्रोसेस का जो चेंज है वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये आने वाले दिनों में जो एप्लीकेशंस जाएंगी उनका प्रोसेस कैसा रहता है या ऑलरेडी जो फाइल्स एम्बेसी के अंदर हैं उनका प्रोसेस कैसा रहता है, उनकी इंटरव्यूज़ आती हैं नहीं आती हैं, डिसीजंस टाइम से आते हैं नहीं आते हैं, ये सब चीज़ें कलेक्टिवली अगले 10-15 दिन के अंदर क्लैरिटी देंगी। सो जो अप्लाई करना चाहते हैं, आई एडवाइस देम, अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, गो अहेड अप्लाई करें। और अगर आप किसी जुगाड़ से जा रहे थे तो इस समय थोड़ा सावधान रहें, ये चीज़ें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं, आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और तुरंत टीम को कॉन्टेक्ट कर लें जो टायर टू वीजा सक्सेसफुली हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।